हाय गाइस, अन्ना पेबल्स की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग स्क्रीम नाउ की तरफ से आने वाली एक वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन्स द स्क्रीम नाउ टोक्यो की अनबॉक्सिंग और एक फुल रिव्यू देखने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो एंड तक जरूर से देखिएगा। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मैं एक टेक यूट्यूबर हूं जो ऐसे ही काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स की बिल्कुल अनबायस और ऑनेस्ट वीडियोस बनाता हूं। तो ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बॉक्स की तरफ आए तो ये काफी ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग में आती है जिसमें आपको प्रोडक्ट की एक फोटो देखने मिल जाएगी और नीचे में टोक्यो वायरलेस ईयरफोन्स लिखी गई है। ब्रांड का नाम है स्क्रीम। बॉक्स के पीछे की तरफ देखें तो इसकी प्राइसिंग अराउंड 3000 दी गई है, बट ये आपको ऑनलाइन से 700 से 800 में मिल जाएगी, विच मेक्स इट अ वेरी गुड डील फॉर द प्राइस। बट हम लोग ये सब फुल रिव्यू में देखेंगे कि ये कैसे परफॉर्म करती है। अब थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये ब्लूटूथ 5 के साथ आती है और इसमें आपको एक 10mm की ड्राइवर देखने मिल जाएगी। बैटरी लाइफ की बात करें तो इट प्रॉमिसेस अप टू 6 टू 8 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ जो कि हम टेस्ट करने वाले हैं, एंड चार्जिंग टाइम 2 टू 2.5 आवर्स है, वो भी हम देखने वाले हैं। अब बॉक्स को फटाफट ओपन कर देते हैं एंड इसमें से इसको स्लाइड आउट कर देंगे। बॉक्स के अंदर हमें ईयरफोन्स, कुछ यूजर मैनुअल्स, एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल और कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स देखने मिल जाती है। ईयरफोन्स की तरफ आए तो इसकी बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की बनाई गई है। अब फॉर द प्राइस प्लास्टिक क्वालिटी ठीक है, नॉट वेरी हाई फाई, बट इतने खराब भी कुछ नहीं लगती है। इसकी नेकबैंड भी प्लास्टिक की ही देखने मिलती है बट काफी फ्लेक्सिबल लगती है। ईयरबड्स की तरफ आए तो ईयरबड्स हमें मैग्नेटिक देखने मिल जाती है, बट हाँ इससे वो मैग्नेटिक पॉज नहीं होने वाली है, ये सिर्फ ऐसे ही शो के लिए मैग्नेट्स दी गई है ताकि आप इसे गले के अराउंड पहन सको। वायर क्वालिटी भी ठीक ठाक थी, थोड़ी सी पतली लगी मेरे को, बट अगेन इट्स नॉट वेरी बैड। फॉर द प्राइस आई थिंक इट्स ओके। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की रेटिंग दूँ तो फॉर द प्राइस मैं इसे 10 में से 8 की रेटिंग दूंगा। नेक्स्ट अब इसे कम्फर्ट की तरफ आए तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये नेकबैंड ईयरफोन्स है तो ये आपके गले के अराउंड रहने वाली है। कम्फर्ट डे टू डे यूजेज में ठीक थी, बट मेरे को लगा कि इसकी जो ईयरबड्स की क्वालिटी थी वो थोड़ी और बेटर हो सकती थी। एक दो घंटे तक पहनने के बाद आपको ईयरबड्स कानों से निकालने की इच्छा होगी, बट हाँ फिटिंग इसकी बहुत अच्छी लगी मेरे को, बिकॉज इसमें ये जो ईयरफिन्स दिए गए हैं उससे कानों में एक सिक्योर्ड फिट हो जाती है, तो वो एक चीज थी जो मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई। और एक चीज जो मेरे को इसकी अच्छी लगी वो थी इसकी केबल मैनेजमेंट सिस्टम, इससे ये कैरी करने में काफी इजी हो जाती है और केबल टूटने की भी डर कम हो जाती है। ओवरऑल कम्फर्ट वाइज आई थिंक इसकी ईयरबड्स की जो क्वालिटी थी वो थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। नेकबैंड में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ईयरबड्स जैसे काफी लाइट वेट है तो आप इसे काफी लंबे समय तक पहन सकते हो इसे। सो ओवरऑल इन कम्फर्ट आई विल गिव इट 8.5 आउट ऑफ 10। बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग की बात करें तो ये प्रॉमिस करती है अराउंड 6 टू 8 आवर्स एंड मेरे को भी उतनी मिल जा रही थी ऑन 50-60% वॉल्यूम लेवल्स। अब मैं नहीं कहूंगा कि ये बहुत कुछ बढ़िया बैटरी लाइफ है, बट ये प्राइस पॉइंट पर मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ। सो यस, बैटरी लाइफ इज डिसेंट, बट डोंट एक्सपेक्ट कि आपको 2000-3000 वाले ईयरफोन जैसे 20-30 घंटे की बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर पाएगी। चार्जिंग 2 घंटे के अंदर अंदर पूरी 0-100% हो जा रही थी। कनेक्टिविटी और माइक क्वालिटी की बात करें तो कनेक्टिविटी इसकी काफी बढ़िया थी। मैं अपने फोन में ब्लूटूथ जैसे ही ऑन करा था ये अपने आप उसे पेयर हो जा रही थी वेरी फास्ट, सो नो प्रॉब्लम इन दैट। माइक क्वालिटी की बात करें तो काम चलाउ थी, इट्स नॉट लाइक बहुत हाई फाई और बहुत खराब भी नहीं थी। फोन कॉल्स लेने में मेरे को कोई असुविधा नहीं हो रही थी। अब इसके बटन्स की तरफ आए तो इसमें आपको एक प्ले पॉज और वॉल्यूम कंट्रोल्स की बटन देखने मिल जाती है विच वर्क फाइन। इसमें एक ऑटो रीडायल की भी बटन दी गई है जो आप मेन बटन को डबल प्रेस करके एक्सेस कर सकते हो। हाँ एक चीज जो थी जो मेरे को नहीं पसंद आई वो ये थी कि जब हम ईयरफोन्स को ऑन करते हैं तो इसमें एक स्टार्टअप म्यूजिक बजती है और जब हम ईयरफोन्स को ऑफ करते हैं तो इसमें भी एक गुडबाय की मैसेज आती है। दिस इज समथिंग विच आई एब्सोल्युटली हेट एंड आई डिसलाइक, सो आई रियली होप कि इसके जो नेक्स्ट वर्जन लोग निकाले उसमें ये दोनों चीज एटलीस्ट नहीं डालें। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ईयरफोन जो कि होती है इसकी साउंड क्वालिटी, उसकी बात करें तो सी साउंड क्वालिटी फॉर द प्राइस ठीक थी। अब मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छी थी, पर मैं ये भी नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा खराब थी, इट वॉज ओके। बेस ठीक ठाक थी, वेरी पंची नहीं थी और बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं थी। मिड्स की बात करें तो मिड्स थोड़ी सी मफल लगती है, अब वोकल्स अच्छी है ऐसा नहीं कि खराब है, बट इसकी जो ओवरऑल साउंड स्टेज है ना वो बहुत ज़्यादा शैलो है एंड बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस लगती है साउंड, वो मेरे को एक चीज़ थी जो इतनी पसंद नहीं आई। ट्रेबल वैसे अच्छी थी एंड आपको वो ईयरपिन नहीं होगी लॉन्ग यूजेज में भी। ओवरऑल आई थिंक इसकी साउंड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है या फिर कुछ माइंड ब्लोइंग नहीं है, बट इट्स काम चलाओ। म्यूजिक के सब सुनते समय आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे, मतलब ये प्राइस पर मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था एंड आई थिंक प्राइस टू परफॉर्मेंस के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। हाँ अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी तो वो नहीं मिलने वाली है। सो ओवरऑल इन साउंड क्वालिटी मैं इसको 7 आउट ऑफ 10 की एक रेटिंग दूंगा।
कंक्लूजन की बात करें तो अगर आपकी बजट काफी लिमिटेड है एंड आपको एक नेकबैंड ईयरफोन्स चाहिए, देन आई थिंक दिस ईयरफोन्स मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज इसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को टिकाऊ लगी, ऐसा नहीं था कि टूट जाएगी जल्दी से, और कंफर्ट भी काफी बढ़िया थी। हाँ, साउंड क्वालिटी थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, अदरवाइज इट्स ओवरऑल वेरी नाइस। सो 800 की प्राइस के हिसाब से ये काफी गुड डील है। हाँ, बट इफ यू आर विलिंग टू स्पेंड मोर, देन आपको बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में। सो बस गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे से कॉमेंट कर सकते हैं एंड आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अनरैप्ड इंपल्स।